हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक। चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो को। कल जो भी हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो गाइज, आज हम लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग मिला था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मैंने कोई भी पी साइड की ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं करवाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे इस लेवल पे मैंने एक पी साइड की निफ्टी की ट्रेड इनिशिएट करवाई थी, जिसमें हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला था। हालांकि सेफ प्लेयर्स को मैंने यहीं पे एग्जिट करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था और उसके साथ में ये जो वॉल्यूम है ये भी नीचे आ रहा था, और ये एक अच्छा साइन नहीं होता है अगर किसी को सेफली ट्रेड करना है। तो बस इसी लेवल पे मैंने कहा था और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था। एग्जैक्टली इसी लेवल पे मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 20 रुपीज़ में हीरो और जीरो की पी दी थी, जिसने 77 रुपीज़ का हाई लगाया था। काफ़ी शानदार, अगर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो वो हम लोग को देखने को मिला था। 35,000 के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो बुलिश होने वाला है, और हम लोगों ने जो फ्यूचर के चार्ट पे लेवल डिस्कस किया था वो था अराउंड 35,195 का, यानी कि लेवल 2 हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उस हिसाब से हम लोग को मिल गया था। और वॉल्यूम के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी शानदार वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अगर निफ्टी के बारे में बात करेंगे गाइस, तो निफ्टी भी देख लीजिए गैप डाउन ओपनिंग मिला था, और निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा गैप अप था। और जब ये नीचे आया था तो मैजिकल लेवल को इसने टच किया था 16,330 के। अब आप लोग यहाँ पे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मैं इन लेवल्स को मैजिकल लेवल्स कहता हूँ, क्यों ये ट्रूली मैजिकल लेवल्स है। एग्जैक्टली इसी लेवल पर आया, आप लोगों को इसी लेवल पे प्राइस एक्शन का सेटअप मिला, और यही से आप लोग की हीरो और जीरो की सी साइड की ट्रेड बनी थी। निफ्टी में काफ़ी शानदार हम लोग को उछाल जो है वो देखने को मिला था आखिरी सेशन में। अगर आप लोग बात करोगे मेरी प्रीमियम ग्रुप के सर्विसेज के बारे में, सो मैंने जैसे कि आप लोग को कहा कि मैंने सेफ लोगों को एग्जिट करवाया था 83 रुपीज़ पे 120 के। आप लोगों को भी ये कॉल पोस्ट की थी, जिसमें 4 लॉट्स पे हम लोग को 3,800 का प्रॉफिट हुआ था। एंड देन बैंक निफ्टी में हम लोग को 21 से 77 का मूव मिला था, जो कि 5,600 रुपये नेट प्रॉफिट था 100 की क्वांटिटी पे। सो सिर्फ ये 2 ट्रेड्स मैंने इंडेक्स ऑप्शंस में आज के दिन में ट्रेड करवाए थे, वरना काफ़ी शानदार प्रॉफिट हम लोग को था ऑलरेडी। सो मेरे लिए कोई वजह नहीं बन रही थी अलग से फिर कोई हीरो और जीरो की ट्रेड करके वहाँ पे छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए, फिर छोटे मोटे मूव्स के लिए कोई भी रिस्क लेने की। आज की जो जैकपॉट कॉल बनी थी, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मेरी एटलीस्ट 1 या 2 कॉल डेली बेसिस पे मनी डबल हो जाती है, तो उस सीरीज़ में 4 चांद लगाने वाली आज थी बायोकॉन 9:13 पे, यानी कि 2 मिनट पहले ही मैंने इसे ओपनिंग प्राइस पे बाई करवाया था। मोर देन मनी डबल का हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न मिला। अब ये सारा आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जाकर के आप लोग इसका प्राइस एक्शन को चेक कर लीजिए कैसे प्रो ट्रेडर्स अपना जो एनालिसिस है वो करते हैं, प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करते हैं। कई सारे वीडियोज इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए अपलोड करके रखे हुए। अब आपको थोड़ा बहुत स्पाइन जो टाइम है आप लोग का वो इन्वेस्ट एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, उसको कोई एक्सक्यूज। चलिए देख लेते जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके एनालिसिस के साथ में। शुरुआत करेंगे आइशर मोटर्स के साथ में। सो आइशर मोटर ने हम लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हम लोग को यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल दिखा, तो यहाँ पे भी इसकी प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री की जा सकती थी। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो 2,651 का लेवल दिया था, यहाँ पे कैंडल क्लोज किया था, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया था। लेकिन उसके बाद में ये जो नीचे आने वाली कैंडल है, ये हम लोग का SL 2,638 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। बहुत ही शार्प मूव हम लोग का जो हम लोगों ने तीसरा लेवल डिस्कस किया था उसके ऊपर मिला है, यानी कि सी में आइशर मोटर्स के हम लोग को काफ़ी शानदार प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। जो सेकेंड कॉल हम लोगों ने आज के दिन के लिए डिस्कस की थी वो थी कोलपैल की। कोलपैल में हम लोग को डाउनसाइड में लेवल 1 मिला है, यानी कि पी में प्रॉफिट हुआ है, अरे यहाँ पे सी में एक्टिवेशन होने के बाद में हम लोग को यहाँ पे लेवल 1 अगेन मिल गया, यानी कि सी में कोलपैल के हम लोग को प्रॉफिट जो है वो आज देखने को मिल रहा है। और जो थर्ड कॉल आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। अगर इसके प्राइस एक्शन सेटअप के बारे में बात करो, तो ये तो इसकी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ओपनिंग ही प्री मार्केट का यहीं पे हो गया था। एग्रेसिव अगर आप लोगों ने एंट्री ली है, जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट ट्रेड की एंट्रीज करवाता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो आप लोग को पी में लेवल 2 जो है वो मिला है, यानी कि यहाँ पे पी में एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे कोई मिस कर गए, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पे आप लोग को C
में अगेन काफ़ी शानदार प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। यानी कि गाइस 229 एपिसोड्स तक जो भी थंबनेल पे मैं 99% की एक्यूरेसी क्लेम कर रहा हूँ वो आज भी बरकरार है। कोशिश रहेगी 365 डेज तक इसे बरकरार रखो। इसके लिए आपका हेल्प एंड सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी यूट्यूब चैनल रहेगी जो आप लोग को इस टाइप की एक्यूरेसी जो है वो देती रहेगी। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए गाइस, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरी वीडियो जो है वो अच्छे लग रहे हैं, आप लोग प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं। और जिसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो तो वैसे भी वीडियो देखते नहीं है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तब जाकर के थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो अगर वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके रखा हुआ है। आप लोग टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। बात करेंगे इस कल के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, वो रहेगी ACC की। एंड ऑफ द डे अगर हम लोग देखें तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम जो है इसमें एंटर हो चुका है। और अगर आखिरी के कुछ 3-4 कैंडल्स में आप लोग को दिखाऊं वॉल्यूम्स के साथ में, तो वॉल्यूम तो बड़ा है लेकिन कैंडल्स में कोई मोमेंटम नहीं है। यानी कि इसमें एक हिडन वॉल्यूम जो है वो एंटर हो चुका है। अगर डाउन साइड में ये ब्रेकडाउन देने में कामयाब हो जाता है तो काफ़ी शानदार फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा 2135 के नीचे। 2716 और 2100 डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे, 2150 हमारा स्टॉप लॉस होने वाला। इन केस अगर इसमें सेलिंग नहीं आता है, यही से अगर ये बाउंस बैक कर जाता है तो 2150 के ऊपर बुलिश रहेगा। 58, 70 और 86 अपसाइड्स के लेवल्स रहेंगे, 2135 स्टॉप लॉस रहेगा। अब गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ चीज़ें आप लोग को नए से सीखनी होगी, कि जैसे कि अगर ये आप लोग का बाई अबो का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करेंगे। यानी कि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर इस लेवल को हम लोग अपने स्टॉप लॉस के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करेंगे, ना कि इन नंबर्स पे हम लोग प्ले करेंगे। साथ में जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ सेम रिपीट करूँगा, लेवल्स को आप लोगों को चार्ट पे ड्रॉ करके रख देना है, लिख करके कोई फ़ायदा नहीं है। चार्ट पे रहेंगे तो लाइव मार्केट आर्ट्स में जब भी प्राइस एक्शन बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इसे कैच करने में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो भी स्टॉक्स यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोग के साथ में, तीनों के तीनों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड होते हैं। यानी कि आप लोग अगर एक इक्विटी ट्रेडर हैं, कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, तो ये लेवल्स आप लोग के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आप फ्यूचर पर ट्रेड करते हैं तब भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और आप ऑप्शंस को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा आप लोगों को, कि आप लोग जो भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होना चाहिए या तो ऐट द मनी होना चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। बात करें कल के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, वो रहेगी PVR की। PVR काफ़ी शानदार यहाँ से रेजिस्टेंस और डाउनसाइड से सपोर्ट जो है वो फेस कर रहा है और इन लेवल्स पे आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे के कुछ 4-5 बार्स को आप लोग देखेंगे तो काफ़ी शानदार यहाँ पे वॉल्यूम एंटर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स में कोई पैटर्न नहीं बना या फिर कोई भी हेल्दी कैंडल नहीं बनी है। इसने साइडवेज रहना जो है वो या फिर रहना या फिर दिखाना पसंद किया है आप लोगों को। यानी कि हम लोग को जो भी ब्रेकआउट मिलने वाला है काफ़ी शानदार कल के दिन में मिलेगा, इधर अपसाइड या फिर डाउनसाइड, क्योंकि इन कैंडल्स को देख करके आप लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बायर्स का है या फिर सेलर्स का। लेकिन इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई है यहाँ पे जो यहाँ अपने आप को नहीं छुपा पाया है, लेकिन यहाँ पे कामयाब हो गया अपने आप को छुपाने में। तो 1780 के नीचे PVR वीक है, 74, 67, 58 डाउनसाइड के लेवल्स है, 1790 स्टॉप लॉस है। इन केस अगर यहाँ से सपोर्ट फेस करके अगर अपसाइड में मूव ऑन कर जाता है तो 1790 के ऊपर बुलिश है। 95, 1803 एंड 14 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, 1780 हमारा स्टॉप लॉस है। बात करेंगे कल के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, वो रहेगी मुथूट फाइनेंस की। अब मुथूट फाइनेंस में देख लीजिए, यहाँ पे एंड ऑफ द डे काफ़ी शानदार वॉल्यूम जो है वो एंटर हो चुका है। स्टॉक उसी लेवल पे है और एक प्राइस एक्शन का सेटअप बना है यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन। डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से फेस कर रहा था, आज इसे ब्रेकआउट देने में कामयाब हो गया है। काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया है इस लेवल पे, यानी कि सपोर्ट भी क्रिएट किया हुआ है। तो कल अगर 1075 के ऊपर हम लोग को ये मिल जाता है तो हम लोग को अपसाइड में इसका मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। 80, 92 और 1104 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, 1067 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर ये फेक ब्रेकआउट के तौर पे कंसीडर किया जाता है कल के दिन में अगर, या फिर होता है और यहाँ से नीचे आ जाता है तो 1067 के नीचे वीक है, 1060, 50 और 36 डाउनसाइड के लेवल्स है, 1075 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में। इससे पहले जाकर के एक बार चेक कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को किस टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो गाइज हम लोगों ने जो यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे, तो यहाँ से हम लोग को एक बाउंस बैक मिला है और रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इसका एक रेंज होने वाला है। कल के दिन में अगर इसका हाई चला जाता है तो हम लोग को एक अप ट्रेंड जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कल मार्केट में कितना गैप अप ओपनिंग आता है, क्योंकि कल मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग जो है वो आ जाएगा। 16,500 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर जो है वो बुलिश होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो इंट्राडे के बेसिस पे हम लोग को टाइम डीके का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उसी बेसिस पे मैजिकल लेवल्स में आप लोग के लिए डिज़ाइन करते रहता हूँ। 16,500 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है। 541, 601, 652 और 730 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है तो 16,430 के नीचे वीक रहेगा। 390, 347, 16,300 और 247 हमारे डाउन साइड के लेवल्स वगैरह। बात करेंगे इसके बाद में बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन के बारे में। पहले तो सेम टाइप का पैटर्न जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया हुआ है। कम्प्लीटली बुलिश क्लोजिंग जो है कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आज दिया हुआ है। एंड मैं अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सपोर्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू जो है वो बैंक निफ्टी जो वो फेस करने वाले, लेकिन इसके बीच में काफ़ी अच्छा गैप है अगर से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो। सो आज के दिन का अगर डे हाई चला जाता है कल के दिन में, तो हम लोग को एक शानदार रैली अपसाइड में जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंट्राडे के कुछ लेवल्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, उस हिसाब से देख लीजिए। यहाँ से जो ग्रे कलर का ट्रेंड लाइन आ रहा है, सॉरी पर्पल कलर का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमारा मैजिकल लेवल्स भी मिल के आ रहा है। तो इसको ब्रेकआउट हो जाता है कल तो 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है। 288, 402, 515 और 35,657 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस अगर यही से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है तो 35,070 के नीचे ये वीक रहेगा। 34,983, 902, 734 और 642 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आज मेरे तीनों बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, उनके टारगेट लॉजिक्स और स्टॉप लॉस के साथ और एंट्री लेवल्स के साथ में भी। और साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा प्रेडिक्शन मैजिकल लेवल्स के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।